धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मानव सभ्यता का पालना, धर्म संस्कृति की धुरी, मोक्ष एवं शांति का कपाट कहलाता है। यही वैदिक संस्कृति ने नेत्र खोले और यही भारतीय धर्म, दर्शन, चिंतन, कला एवं साहित्य के सृजन की पहल हुई, जो वक्त के पायदान पर संपूर्ण भारतवर्ष में फैली। महाभारत जैसे युगांतकारी युद्ध की रणस्थली और श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य, आलोकिक एवं शाश्वत ज्ञान की जन्मस्थली होने के कारण कुरुक्षेत्र भूमि को भारतीय इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तभी तो कुरुक्षेत्र भक्ति का सूत्र है, ज्ञान की कुंजी है, भगवान का द्वार है। यहाँ सूफी हो या फकीर, रमते जोगी हो या साधु सन्यासी, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो या फिर भोले भाले श्रद्धालु, सबका आश्रदाता, ज्ञानदाता, फलदाता, भक्तिदाता, मुक्तिदाता है कुरुक्षेत्र, केवल कुरुक्षेत्र। क्योंकि गंगा में जल, लेकिन कुरुक्षेत्र में जल, थल और वायु तीनों पवित्र हैं, जो दैहिक, दैविक और मानसिक संतापों को हर लेते हैं। धर्मपद कहते हैं कि यहीं भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। यहाँ पे कहते हैं पुराणों के अनुसार कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल जो है वो प्रकट हुआ और कमल के फूल के ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा जी जो है उसके ऊपर प्रकट हुए, तो जब ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जो है वो चारों तरफ देखने लगे, तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। उनकी नाभि के पवित्र जल से सन्निहित सरोवर भर गया। कभी सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर एक ही रहे होंगे। ये सरोवर कभी दो कोस में फैला था। इसी सरोवर में भगवान शिव ने तीर्थ का सेवन किया तो विस्थानुत्व स्थिरत्व को प्राप्त हुए। स्पर्श मात्र से शत अश्वमेधों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा महाभारत वन पर्व में कहा गया है। यह इस तीर्थ की महिमा है कि प्रत्येक अमावस पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ, नदी, तड़ाग, ब्रह्मादि देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि सरोवर में आते हैं। यहाँ स्नान मात्र से मानव के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। परंतु सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस तीर्थ में किए गए श्राद्ध एवं स्नान का फल सहस्त्र अश्वमेध के समान है। सूर्य ग्रहण में इसी सन्निहित सरोवर के तट पर भगवान श्री कृष्ण व्याकुल गोपियों से मिले थे और तीर्थ का सेवन किया था। कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास स्थान होने के कारण इसे स्थानेश्वर, ब्रह्मा की तपस्थली के कारण इसे ब्रह्मव्रत, ब्रह्मादेश के नाम से पुकारा गया। महाराज कुरु द्वारा हल जोते जाने से इसे कुरुक्षेत्र नाम मिला, ये धर्म क्षेत्र कहलाया। कुरुक्षेत्र भले ही आज एक शहर का नाम है,
लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र 48 कोस देवभूमि का नाम है। ये देवभूमि महाभारत युद्ध क्षेत्र कहलाता है। यह सरस्वती नदी के दक्षिण और दृष्टवती नदी के उत्तर में स्थित है। इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की रक्षा 4 द्वारपाल करते हैं, जो साक्षात धर्म के प्रहरी हैं। रंतुक यक्ष, अरंतुक यक्ष, कपिल यक्ष तथा मचकरुक यक्ष के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। यह गौरतलब है कि महाभारत युद्ध के दौरान ये यक्षगण योद्धाओं को युद्ध भूमि से भागने नहीं देते थे, उन्हें युद्ध में धकेल देते थे। जो नहीं जाते थे उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। रंतुक यक्ष का स्थान थानेसर से 5 किलोमीटर दूर पीपली के निकट स्थित है, जबकि अरंतुक यक्ष कैथल से 26 किलोमीटर दूर पंजाब की सीमा पर गांव बेहर जक्ष में है। कपिल यक्ष जींद जिला के गांव राम राय के निकट पोखरी खेड़ी में मौजूद है। चौथा द्वारपाल मचकरूक पानीपत जिला के गांव सीख में स्थित है। इन सभी द्वारपालों के स्थान तीर्थ स्थल हैं, जहां इनकी विशाल प्रतिमाएं, सरोवर व मंदिर हैं। इन द्वारपालों के तीर्थों की महिमा भी कुछ कम नहीं है, जहां एक रात्रि निवास से सहस्त्र गौओं के दान का फल मिलता है, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा करूंगा तथा कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार निरंतर कथन करता है वही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब सरस्वती नदी शिवालिक पर्वतमाला सिंधु वन के आदि बद्री काठगढ़ से फूटकर बहने लगी तो देवभूमि कुरुक्षेत्र धन्य हुई। इसी नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहीं वेदों, उपनिषदों और पुराणों का जन्म हुआ। सरस्वती नदी वैदिक संस्कृति की साक्षी और मानव सभ्यता का पड़ाव थी। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लंका से सुमेरु पर्वत पर्यंत यमभोतर रेखा में एक वो देश स्थान है जो रेखा देश कहलाते हैं। वास्तव में इसका संबंध पृथ्वी की भूमध्य रेखा, सूर्य चक्र, अंश प्रकाश, चंद्र आदि ग्रहों की अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव रेखा देश के महत्व को जाहिर करते हैं। तभी तो कुरुक्षेत्र को ब्रह्मव्रत भगवान द्वारा रचा गया, नार्तक दुख रहित, स्थानेश्वर ईश्वर का स्थान, धर्म क्षेत्र सच्चाई का क्षेत्र पुकारा गया। यही वजह थी यह स्थान महाभारत युद्ध के लिए सही जान पड़ा। ऐसी पवित्र दिव्य देवभूमि ही महाभारत के दैविक अस्त्रों शस्त्रों को सहन कर सकती थी, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना कर सकती थी। तब यहाँ महाभारत युद्ध कौरवों पांडवों के मध्य हुआ। अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। यही मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। कर्म कर, फल की इच्छा न कर। हे केशव, आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूं क्यों? क्यों युद्ध करूं केशव? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखलाइए केशव, मुझे मार्ग दिखलाइए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं
वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो है, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। तब संपूर्ण मानव जाति इस मूल मंत्र से धन्य हुई, जो आज भी प्रासंगिक है। इस भयंकर धर्मयुद्ध में 18 अक्षोहिणी पांडव कौरव सेना में से केवल 10 योद्धा जीवित बचे थे। इनमें श्री कृष्ण, पांचों पांडव, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा शामिल थे। कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैले हुए उस भूखंड का नाम है, जहां महाभारत एवं पुराणों में वर्णित अनेक तीर्थों के दर्शन किए जा सकते हैं। यहां समय समय पर देश के कोने कोने से असंख्य तीर्थयात्री आते हैं। नेपाल से आए हैं, नेपाल से बहुत आदमी आया है। ये कुरुक्षेत्र का महत्व बहुत है। कृष्ण जी ने यहाँ पर सूर्यग्रहण में नहाए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका महत्व है। और बहुत आदमी आए हैं, बहुत मजा आया, और लोग और बार भी आने का इच्छा हो रहा है। आज कुरुक्षेत्र एक शहर का नाम है। प्राचीन नगर स्थानेश्वर भी इस नगर से मिल गया है। कुरुक्षेत्र दिल्ली से उत्तर की तरफ 160 किलोमीटर, करनाल से 39 किलोमीटर और अंबाला से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दिल्ली अंबाला मुख्य रेलवे लाइन पर कुरुक्षेत्र एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पीपली से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरियाणा राज्य परिवहन और दूसरे राज्य परिवहनों की बसें यहां से होकर जाती हैं और इस शहर को दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती हैं। यहां के लिए जहां तक वायु सेवा का संबंध है, चंडीगढ़ और दिल्ली निकटतम हवाई अड्डे हैं। मेजबान नगरी कुरुक्षेत्र ने सदैव तीर्थयात्रियों की मेजबानी में गहरी रुचि ली है। यूं तो साधारणतः तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहां अनेक धर्मशालाएं व पर्यटन केंद्र मौजूद हैं। इसी कड़ी में नीलकंठी कृष्णा धाम यात्री निवास में अतिथि कक्ष व विशाल शयनागार हैं। यहाँ सीधा साधा परंतु संतुलित शाकाहारी भोजन तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये यात्रा बेहद रोचक, रोमांचक व आध्यात्मिक अनुभूतियों से लबरेज है। लोग देश के कोने कोने से विशेष पर्यटन बसों, रेलों में सवार होकर यहाँ कुरुक्षेत्र के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं और भूल जाते हैं अपनी लंबी यात्रा के तमाम पड़ावों को, क्योंकि मंजिल तो कुरुक्षेत्र ही है, केवल कुरुक्षेत्र। लोग मीलों नंगे पांव चलते हैं और कुरुक्षेत्र के तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सन 1998 से सन 2002 ईस्वी तक कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या करीब 10 लाख से बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इसी अवधि में विदेशी पर्यटकों की संख्या 1400 से बढ़कर 9000 से अधिक रही। सब लोग अमेरिका से आए हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। हम गीता जयंती पर यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारा गुरु महाराज की कथा चलती है, राधा गोविंद महाराज और भीष्म पिता की स्तुति पूरी बहुत अच्छी है। कुरुक्षेत्र का पूरा हिस्ट्री बताया, भगवान कृष्ण कैसे कैसे यहाँ लीला किया, बहुत अच्छा कथा, आनंद यहाँ आया। सब यहाँ कल्चरल भी
फेस्टिवल देखा, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आ रही है। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, इतनी ठंडी भी नहीं है, और यहाँ रोज सुबह में हम लोग ब्रह्म सरोवर पे गुरु महाराज के साथ वॉक करने के लिए भी आते हैं। यहाँ थानेसर शहर के उत्तर पश्चिम में हजरत शेख चेहली का शानदार मकबरा है, जो तजकराते ओलिया के मुताबिक सूफी संप्रदाय के एक ईरानी साधु थे। मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की हजरत शेख चेहली में गहरी आस्था थी। मकबरे में संगमरमर की जाली के कटाव, सुंदर झरोखों की नक्काशी दिल को छू लेने वाली है, जबकि गुंबद, मीनारे, स्तंभ मुगल शैली की लाजवाब झलक संजोए हैं। मकबरा अष्टकोण बुनियाद की बेमिसाल कारीगरी है। इसकी एक और मदरसा, सराय तथा पत्थर मस्जिद भी देखने लायक है। यहाँ पुरातत्व संग्रहालय भी है। प्राचीन स्थानेश्वर अब का थानेसर कुरुक्षेत्र नगर के साझे शहर की झलक देता है। मुख्य चौराहे धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रतीकों की झलक संजोए हैं। आइए दर्शन करते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के। थानेसर शहर से थोड़ी सी दूरी पर है स्थानेश्वर सरोवर। यह पवित्र सरोवर ठीक शिव मंदिर के सामने है। औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध सरोवर के जल से मात्र कुछ बूंदों से राजा वेणु का कुष्ठ रोग दूर हो गया था। कहते हैं पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ पूजा की थी। इसी स्थानेश्वर सरोवर के नाम से नगर का नाम थानेसर पड़ा। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का एक तीर्थ है बाण गंगा। यह पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर से दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर है। जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े थे और उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन से पानी मांगा, और अर्जुन ने तब धरती में शक्तिशाली बाण मारा और एक जलधारा गंगा के रूप में फूट पड़ी। तभी से यह स्थल बाण गंगा के रूप में विख्यात चला आ रहा है। और ये बाण गंगा तीर्थ है जहाँ अर्जुन ने बाण मार करके भीष्म पितामह जी को जल पिलाए और गंगा जी को प्रकट किए। चंद्रकूप एक छोटा तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र सरोवर के बड़े द्वीप पर स्थित है। इसकी गणना प्राचीन पवित्र कूपों में की जाती है। इसे द्वापर में द्रौपदी कूप के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि द्रौपदी ने यहाँ अपने केश धोकर प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। नाभि कमल तीर्थ थानेसर शहर के नजदीक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र का एक महान तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का पवित्र संदेश महाभारत युद्ध में दिया था, जिससे समूची मानव जाति धन्य हुई। इसी तरह सर्वेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत दर्शनीय तीर्थ है। ये मंदिर ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है। इसमें पहुंचने के लिए ऊपरगामी पुल से मंदिर को जोड़ा गया है। यहाँ महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना की थी। ब्रह्मा ने इस मंदिर में सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना की थी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों का एक और मुख्य आकर्षण का केंद्र है ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ पर सवार गन मेटल की विशाल झांकी। रात्रि प्रकाश में इसकी छटा अद्भुत होती है। ब्रह्म सरोवर के निकट ही गुरुद्वारा राजघाट भी स्थित है। इस गुरुद्वारे का संबंध गुरु गोविंद सिंह महाराज के सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र दर्शन यात्रा से है। इसी तरह गुरुद्वारा पहली पातशाही ब्रह्म सरोवर से मात्र 1 किलोमीटर दूर स्थित है,
इसका संबंध गुरु नानक देव जी महाराज से है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के उत्तर पूर्व और सन्निहित सरोवर के पश्चिम में मुख्य पथ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा स्थापित श्री कृष्ण म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण और महाभारत दर्शन का समूचा संग्रह दर्शन है। तीन तलीय यह म्यूजियम भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत का दर्पण है। इसके साथ लगते परिसर में विज्ञान भारती पैनोरमा म्यूजियम भी ज्ञानवर्धक है। यहाँ महाभारत युद्ध विज्ञान एवं तकनीक के जरिए सहज सजीव हो उठता है। एक और भारत का प्रसिद्ध तीर्थ है अरुणाय तीर्थ। कुरुक्षेत्र से करीब 30 किलोमीटर दूर तथा पेहवा से 6 किलोमीटर दूर स्थित है यह तीर्थ। यहाँ विश्वामित्र के अभिशाप के कारण सरस्वती नदी में रुधिर की धारा बहने लगी तो भगवान शंकर के वरदान से मुनियों व तपस्वियों ने अरुणा नदी को प्रकट किया। तब यहीं सरस्वती और अरुणा नदी के संगम से पावन जल पुनः प्रवाहित होने लगा। यहां दुर्वासा ऋषि ने लंबे समय तक तप किया। जींद के निकटवर्ती गांव इक्कस में एक हंस तीर्थ सरोवर है जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों से लीलाएं करते हुए एक हंस के रूप में लोप हो गए थे। तब व्याकुल गोपियों ने कृष्ण को इसी रूप में यहीं पाया। यहीं दुर्योधन मारा गया। थानेसर शहर में प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर सती कूप पवित्र कूप और देवी कूप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां मां दुर्गा और शिव के मंदिर भी हैं। मान्यता है कि मां भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहीं बालक श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। गौरतलब है कि इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना से पूजा अर्चना की थी। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल ज्योति सर के निकट पेहवा रोड पर स्थित है। लोग यहां अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल, तारों की स्थिति, आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि ग्रहों की दिशा और दशाओं का वैज्ञानिक तकनीक से दर्शन करते हैं। महाभारत पुराणों में चर्चित पृथुदक तीर्थ पेहुआ पितृतीर्थ कहलाता है। कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ सरस्वती नदी के तट पर मौजूद होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। यही तीर्थ है जहां पितृ शांति के लिए सगे संबंधी श्राद्ध पिंडदान कर्मकांड गति करवाते हैं। जीवन मृत्यु के मार्ग में दैहिक वैदैविक शांति का मोक्ष द्वार है पेहोवा तीर्थ। चैत्र माह की कृष्ण चौदस को यहां मेला लगता है। लाखों यात्री देश के कोने कोने से आते हैं। यहां पृथ्वीश्वर महादेव एवं कार्तिकेय मंदिर जहां दर्शनीय हैं, वहीं गंगा जमुना व सरस्वती मंदिर की शान भी कुछ कम नहीं है। जनश्रुति है कि यहां महाभारत युद्ध के बाद अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में पूजा पाठ स्नान व ध्यान किया था। धरोहर म्यूजियम हरियाणा की संस्कृति का आईना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित हरियाणा धरोहर को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडप बेहद दिलचस्प व खूबसूरत है। यहाँ हरियाणवी लोक जीवन की झलक दिल को छू लेती है, हमें अतीत में ले जाती है। ये कितना दिलचस्प लगता है कि हजारों सालों से कुरुक्षेत्र के महातीर्थ सन्निहित और ब्रह्म सरोवर सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रद्धालुओं की रौनक से खिल उठते हैं। श्रद्धा परवान चढ़ती है, भक्ति बलवती हो उठती है, मानो भक्त और भगवान एकाकार हो गए हों।
यहाँ गीता जयंती उत्सव की वानगी देखते ही बनती है। ऐसा लगता है संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विधा जीवंत हो उठी हो। शिल्प मेला भी हमारी पारंपरिक लोक कला शिल्प का हिस्सा है। कला और कलाकार दोनों धन्य होते हैं। उत्सव की रात्रि छटा मनोहारी होती है। आकाश जल और थल मानो स्वप्नलोक से प्रतीत होते हैं। आतिशबाजी के रंग काले शाह आकाश को अनूठा श्रृंगार देते हैं। ये सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। वक्त की रफ्तार कभी नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है। सही है, कुरुक्षेत्र धर्म भक्ति आस्था का प्रतीक है, जो युगों युगों से हमारी पीढ़ियों को सार्थक प्रेरणा देकर उन्नत करता रहेगा।